अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेके आए हैं बीफ स्टेक की एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों के लिए। और इस स्टेक के साथ हम लोग बनाएंगे रेड सॉस, जो बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी और मीठे का एक बहुत मज़े का टच आता है इसमें। और ये जो सॉस है, ये हम लोगों ने इंस्पायर होकर बनाई है मैक्सिकन सॉस से। वो भी बिल्कुल इसी तरह की होती है, थोड़ी स्पाइसी सी और थोड़ी खट्टी मीठी सी होती है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फौरन से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल का बटन भी दबा दें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बीफ की मैरिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बीफ लेंगे। बीफ का आप कोई सा भी पीस ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट पीस होता है स्टेक के लिए वो होता है अंडर कट, और वो हम लोग यूज़ करेंगे। आप इसको बिल्कुल थिन स्लाइसिस में काट लें। फिर हम नमक लेंगे 1 टेबल स्पून। हम इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे क्योंकि बीफ का अपना टेस्ट फिर ख़त्म हो जाएगा। 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च डाल देंगे। 1 टेबल स्पून हम लोग इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर का अपना ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता, ये बेसिकली कलर देने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हम 2 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे सिरका। अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो आप इसके अंदर लीमू का रस भी डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारे बीफ के ऊपर ये सॉस लग जाए, और फिर हम इसको रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको बना लेंगे। अब 3 से 4 घंटे इसको हो चुके हैं, अब हम लोग इसको पका लेते हैं। आप लोग कोई सा भी पैन ले सकते हैं, मैं ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी सिंपल फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जो हम लोगों ने बीफ मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको पका लेंगे। हम लोग 10 मिनट एक साइड पका लेंगे, 10 मिनट दूसरी साइड मीडियम फ्लेम के ऊपर। हम बीफ को ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना वो बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है और उसे खाने भी नहीं होता। 10 मिनट एक साइड पे, 10 मिनट दूसरी साइड से बीफ आपका रेडी हो जाएगा। जो स्टेक वाला बीफ होता है वो थोड़ा सख्त सख्त सा होता है। चले, अब इसी पैन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग वेजिटेबल यूज़ करेंगे उसको हम सौते काट लेंगे। सबसे पहले हम एक प्याज ले लेंगे, उसको रिंग्स में काट लेंगे। गाजर ले लेंगे, उसको बेशक लंबाई में काटने हैं वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। आप कोई सी भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं जो आप लोगों को पसंद होती है। आप लोग ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपका दिल करे। फिर हम लोगों ने इसमें मटर डाले हैं, कॉर्न डाल दिया है और बॉयल की हुई, और साथ में हम लोगों ने खीरा डाल दिया, और इसको हम 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। और अब हम चलते हैं सॉस की तरफ, जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। सबसे पहले 1 टेबल स्पून बटर ले लेंगे और उसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबल स्पून गार्लिक। आप लोग गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और चॉप करके भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश चॉप करके यूज़ किया। इसको 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मशरूम्स डाल देंगे 1 कप, और मशरूम को जब तक वो गोल्डन होते हैं तब तक पका लेंगे। मशरूम तकरीबन 5 मिनट के अंदर या 3 मिनट के अंदर ये ब्राउन हो जाते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटो प्यूरी, या आप फ्रेश टमाटो की पेस्ट बना के वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम लोग आधा कप यूज़ करेंगे, ज़्यादा ये यूज़ नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। नमक हम लोग इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो सोया सॉस हम लोग डालेंगे उसमें भी नमक होगा, और जो हम लोग क्यूब डालेंगे चिकन उसके अंदर भी नमक होगा। अब हम इसके अंदर 1/2 कप हम लोग सोया सॉस डाल देंगे, और साथ में हम 1/2 कप डाल देंगे चिली सॉस। नमक आप लोग इसके अंदर ऐड नहीं कीजिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा सॉल्टेड हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम लोग केचप डाल देंगे। आप कोई सी भी केचप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी की, लेकिन हम लोग चिली वो चिली वाली नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग नॉर्मल जो टोमेटो केचप होती है वो यूज़ करेंगे। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर चिकन क्यूब डाल देंगे। 1 पीस जो होता है चिकन क्यूब का हम वो डालेंगे, 2 नहीं डालेंगे। और अब हम इसको ज़रा 1 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो चिकन क्यूब है वो सही तरह मिक्स हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 1 कप लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, और इसका सोल्यूशन बना लेंगे इस तरीके से। और इस सोल्यूशन को अब हम लोग सॉस के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो सॉस है वो अच्छी तरह से थिक हो जाए। अब हम सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो सॉस है वो अच्छे से थिक हो जाए। मतलब हमें ज़्यादा थिक भी नहीं चाहिए और ज़्यादा थिन भी नहीं चाहिए,
ये देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए आप लोगों को। और इसके बाद आप फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको तकरीबन 5 मिनट से 7 मिनट लगे हैं सॉस को बनने में, और इस टाइम के अंदर ये सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून ऑर्गेनो डाल देंगे। फ्रेश ऑर्गेनो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या जो पैक वाले मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और हम लोगों की सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम चीज़ें करते हैं असम्बल। हम लोगों की स्टेक भी रेडी है, वेजेस भी रेडी हैं, और साथ में हम लोगों की सॉस भी रेडी है। अब आप अगर इसको नॉर्मली सर्व करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं एक हॉट प्लेट लूँगी, इसको थोड़ा गर्म करूँगी, साथ में इसके अंदर सब बटर डाल के इसके ऊपर वेजेस डाल दूँगी। नीचे से फ्लेम ऑन है, ठीक है, मैंने बिल्कुल हल्की सी फ्लेम करके इसको ऑन रखा हुआ है ताकि जो प्लेट है वो साथ गर्म होती रहे। अच्छा, साथ मैंने पास्ता सर्व किया है बॉयल करके, सिंपल पास्ता, उसको बॉयल कर लें आप, उससे भी सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। या फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, मैश पोटैटोज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मैश पोटैटोज़ की रेसिपी मैंने आप लोगों को देनी है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों को दूंगी। और इसके ऊपर आप लोग सॉस डाल के इसको सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार सी एक डिश बन जाएगी और बिल्कुल ऐसी लगेगी जैसे आप लोगों ने बाज़ार से मंगा के अपने गेस्ट को खिलाई है, और आप लोगों की वाह वाह हो जाएगी। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो इसी तरह हम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।